कल ही मैं सोच रही थी काटने के लिए, फिर कल जन्माष्टमी था तो इसलिए मैंने नहीं काटा, आज कट रही हूँ। और छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, प्यार और सपोर्ट करना। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीमा क्लीनिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आ गई हूँ आप सभी से बातें करने, तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए फ्रेंड, मैंने 2 महीने से नाखून नहीं काटा है सावन में, और बहुत ज़्यादा नाखून बढ़ गए हैं। तो चलते हैं नेल कटर से काट लेते हैं, और आप सभी से बातें भी करती रहूँगी। और फटाफट लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मेरी किचन भी दिख रही है, जो कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, फिर भी मेरी किचन अब अच्छा लग रहा है ना, इतने बड़े बड़े हैं। और पहली बार तो ये ना फट गया था, पूरा नेल फट गया था। ये देखिए इतने बड़े बड़े नेल है का है। अभी दूजा पैर भी बाकी है, इसमें का भी कट कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा फ्रेंड पाँव के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हाँ बड़े जो कोई रखाता है नाखून लंबे रहते हैं, तो नेल पेंट बहुत अच्छी लगती है। तो नाखून कटने के बाद ना फ्रेंड रेती मार लो तो एकदम नाखून सेट हो जाता है। अगर रेती ना मारो ना तो फिर तो बेकार हो जाता है, मतलब ऐसे खड़बड़ा सा रहता है। रेती मार लो तो एकदम सेट हो जाता है। और इसमें कि मैं नहीं काटने वाली हूँ, बड़ा नेल रखूँगी, क्योंकि छोटी वाली उंगली में मुझे अच्छा लगता है। कल ही मैं सोच रही थी काटने के लिए, फिर कल जन्माष्टमी था तो इसलिए मैंने नहीं काटा, आज कट रही हूँ। और छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, प्यार और सपोर्ट करना। तो यहाँ पे मेरा ये भी नेल कट गया है, देखिए मैं रेती कर रही हूँ किस तरीके से। तो ये नाखून उठा लेती हूँ। वरना बिस्तर पे रहेगा तो बैठने पे बच्चों भी चुभ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने नेल कट कर लिया है और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी से बातें भी कर लिया है, और अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक का बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखना।